रीजन मैंने आपको देखा, बट आपका देखते ही नहीं। और तुमने सीधा मना कर दिया। हाँ, अगर आपने आकर मेरे भैया से बात नहीं की होती तो शायद हम आज यहाँ साथ में। और देखो, हमारी भाई ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी और अब हमारे एक हफ्ते में शादी है। हाँ, ये बात तो है। कितना टाइम हो गया है, मुझे निकलना होगा, भैया वेट कर रहे होंगे, मैं लेट हो गई। 6 बज गए। चलो मैं निकलती हूँ। इतनी जल्दी? अब हम डायरेक्ट शादी के बाद ही मिलेंगे, उसकी शादी में लगा दूंगा और बच्चे को जो पैसे उसी को दे दूंगा। ठीक है, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मैं पेपर लेके जाऊँगा। ठीक है, और आप आके साइन कर देना और पैसे ले जाना। नहीं हुआ तो लौट के घर में वापस कभी मत आना।
अरे चुटकी तुम यहाँ क्या हुआ? भैया वो सूरज। क्या हुआ सूरज को? भैया वो सूरज। अरे क्या हुआ? अब पैसों का कैसे इंतजाम करोगे भैया? अरे चुटकी तुम्हें तो पता है कि मैं किस बीमारी से जूझ रहा हूँ, और वैसे भी जब तक मैं हूँ वो ज़मीन काम है। मेरे जाने के बाद वो ज़मीन के वैसे भी कोई काम नहीं है। अगर वो ज़मीन बेचकर तुम्हारा घर बचता है तो मैं आज ही तुम्हें पैसे ला कर दूंगा। तुम आज ही अपने ससुराल लौट जाओ। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं, बस मैं करता हूँ। ठीक है भैया। हमारी बात हुई थी। जी। तो उसी सिलसिले में बात करना था। जी बोलिए। वकील साहब आप तो हमारे गांव के जाने माने वकील हैं, आपसे क्या छुपाना। दरअसल जीजा जी को पैसे की ज़रूरत है, और आपको तो पता ही है कि मेरी हालत कैसे रहती है। और वैसे भी वो ज़मीन तो किरण की ही है, मैंने क्या उसे ऊपर थोड़ी ना लेके जाऊँगा। आप यही एक बार फिर से सोच लीजिए। पेपर तो मैंने रेडी रखा हुआ है, पेपर मैं आपको दे देता हूँ। वकील साहब मैंने सोच लिया है जी, जो किरण का है उसे मिलना चाहिए। जी ये पेपर सब रेडी है, एक बार आप पढ़ लो और साइन कर दीजिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए। वकील साहब आपने पढ़ लिया ना? जी जी। मुझे किरण के लिए करना है, मेरी छुट्टी के लिए करना है, मैं साइन कर देता हूँ। देखिए वकील साहब ये ज़मीन अब आपकी हुई। ठीक है मैं पैसे लेके आता हूँ। आप पूरे 50 लाख। शुक्रिया। चलो चुटकी। अरे भैया आप रात भर कहाँ पे थे? ये लो पैसे, ये पैसों का बंदोबस्त करने गया था मैं। लेकिन भैया क्यों? लेकिन कुछ नहीं, ये पैसे लो और अपने ससुराल लौट जाओ, और वही तुम्हारा घर है। माल के जाना। किरण तुम? पैसे लाइए। मैं तो एक दिन में पैसे का इंतजाम कर दिया बेटा। ये तो है, कितने भी शक्ल से बुरी दिखती हो और गरीब दिखती हो, पर इसके भाई ने पैसे दबा के रखे हुए हैं। सही कह रहे हो। अब इसने क्या कर दिया बेटा? माँ देखो ना, मैं पैसे क्यों मांग रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए, और ये अब कहती है कि इसके पास पैसे ही नहीं है। इस तरनोई ने तो सुखचैन छीन लिया है हमारा। छोड़ो मम्मी, इसे हम समझ रहे हैं। काश मैंने सूरज और सुनैना की सच्चाई भैया को बता दी होती, आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। भैया अब मुझे नहीं जीना, मैं नहीं जीऊंगी। क्या हुआ भाभी, क्यों मरना चाहते हैं आप? मुझे प्यार में धोखा मिला, जिससे मैंने विश्वास किया था शादी की थी, उसी ने मुझे धोखा दिया। आपने मुझे भाई बोला है ना, अब मैं आपको ऐसे मरने नहीं दूंगा। लेकिन इस दुनिया में जीने का क्या मतलब, जब मेरा पति जिससे मैंने शादी की थी वो ही ऐसा है, क्या मतलब जीने का, आप ही बताओ। अब चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ? भरोसा रखिए, आपने भाई बोला है ना मुझे, अब उन लोगों का क्या करना है अब मैं देखता हूँ। आइए।
आराम से। हाँ अब बताइए क्या हुआ। तुमने अच्छा किया जो यहाँ पे आया हो इनको लेके। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ चलिए, मुझे पता है क्या करना है। रोहन तुम यहाँ और कौन है ये औरत? अंदर आ जाओ। अरे किरण तुम यहाँ? बस बस आप ये सब नाटक रहने दीजिए, किरण ने हमें सब बता दिया है, प्यार धोखा शादी से लेकर दहेज के लालची लालची पीटिए। क्या क्या? जी हाँ, आप या तो किरण को उसके सारे पैसे वापस दे दीजिए, उसे माफी मांगिए, और तो और उसको पूरी इज्जत के साथ अपने घर में प्यार से रखिए, वरना हमने कुछ नहीं किया। अच्छा तो सुनिए माता जी, पहले आप बैठ जाइए, माँ ने लाड ले, आप भी बैठ जाओ। अब सुनिए, आपका पहला जो प्यार और धोखाधड़ी झूठा नाटक प्यार करके शादी करना, उसकी कहर 18415। दूसरा जो दहेज मांगने डोरी एक्ट प्रोहिबिशन एक्ट नंबर 28 of 1961 के तहत आप सब जाएंगे जेल। तीसरा और आखिरी जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस सेक्शन 2005 के तहत आप सब जाएंगे जेल और वहां पे पीसेंगे चक्की। तो वहां पे माँ और बेटे मिलके वहां पे अपना ठंडा पीना, जितना पीना है पीना, जितना लालच अपने आपको देना है कर। तो क्या सोच रहा है आप? किरण प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटी मुझे भी माफ, मुझे आप लोग से ना पहले शिकायत थी और ना आज आप लोग से कोई शिकायत। आपने इनसे प्यार करके शादी के वादे करके आपने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया, क्या इसीलिए ऐसे सब बातें करी है आपने, इतने सारे वादे किए? हाँ आप जानते हो एक लड़की दूसरे घर से आती है तो वो सिर्फ अपने पति से नहीं पूरे परिवार की होती है, और माता जी आप जानती हैं, बड़े बुजुर्ग हैं आप, तो आपको पता है कि जब कोई पराई लड़की आपके घर में आती है वो लक्ष्मी होती है। अगर आप लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत कौन करेगा? और ये मत सोचना कि मैडम शांति देवी के सामने आप लोग नाटक कर लोगे, और अब से मेरी नजर आप दोनों पे रहेगी। नहीं नहीं अब से ऐसा नहीं होगा, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। किरण अभी काम खत्म नहीं हुआ है, एक और काम बाकी है। क्या मैडम? अंदर आ जाइए। अरे वकील साहब आप यहाँ? जी हाँ, मुझे शांति देवी जी और रोहन ने बुलाया। दो इसमें साइन करो। ये है, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है इस घर में तुम्हारे ससुराल वालों को ही सजा मिलेगी। लेकिन कुछ नहीं, मुझे मां बेटे की मंडली में भरोसा नहीं है, इसलिए लिखा पट्टी जरूरी है, इसलिए आप साइन करो। दो साइन करो। जी मैं चलता हूँ। परेशानी हो तो हमें जरूर संपर्क करो। किरण प्लीज मुझे माफ कर दो, चलो अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। सदा आनंद रहो, खुश